Dear students, again welcome to Smart Infotech Computer Center. हम लोग आज टेली की क्लास 8 को सीखने चल रहे हैं, डे 8. तो लास्ट टर्न पर हम लोग ने 7 एंट्रीज कंप्लीट करी थी. आज हम लोग एंट्री नंबर 8 से वर्किंग शुरू करते हैं. एंट्रीज जल्द से जल्द हम लोग कवर अप करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डीपली और ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ. एंट्रीज आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी, आपको टेली सॉफ्टवेयर चलाना उतना ही बेहद आसान हो जाएगा. अब हमारा आता है एंट्री नंबर 8. हर नेचर की एंट्रीज मैं दे रहा हूँ आपको. ₹4,000 डिपॉजिटेड इंटू HDFC बैंक, यानी कंपनी ने पैसा जमा किया. जो भी कुछ कर रहा है कंपनी ने किया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. ₹4,000 डिपॉजिटेड इंटू HDFC बैंक. HDFC बैंक में ₹4,000 जमा किए गए. अब ₹4,000 जमा किए गए तो यहाँ पर दो खाते कौन से होंगे, बहुत सिंपल है अभी तक, अब तो आप समझ गए होंगे. बैंक में जमा किए तो एक HDFC बैंक, ऊपर से दूसरा एक कैश. तो ये दो खाते हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं. बैंक हमारी पर्सनल में आती है क्योंकि एक ये नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो भी ब्रांड नेम है ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं. तो HDFC बैंक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा उसके लिए रूल आपको याद होना चाहिए, जैसा कि अभी तक था. तो क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो, अब बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो तो आपका बैंक पैसे को रिसीव कर रहा है, तो वो रिसीवर है, इसीलिए यहाँ पर रिसीवर जो है मेंशन है. ये तो ये रिसीवर है, ठीक है. तो बैंक यहाँ पर आपका डेबिट होगा और कैश जमा कर रहे हो तो जा रहा है, रियल में आउट हो रहा है, क्रेडिट वार्ड गोज आउट से ये क्रेडिट होगा. तो डेबिट पहले लिखना है तो हमारी एंट्री बन के क्या आ जाएगी, HDFC बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक. ये हमारी पैसा जमा करने से रिलेटेड जनरल एंट्री बनी. एंट्री नंबर 9 पैसा निकालने के से रिलेटेड है, तो उसी की अपोजिट एंट्री हो जाएगी. तो बैंक से HDFC बैंक से 3,000 निकाले, 8,000 जमा किए थे, 3,000 निकाले हैं, तो निकाले हैं तो हर चीज़ अपोजिट चलेगी. अब बैंक यहाँ भी पर्सनल रहेगा, कैश यहाँ भी रियल रहेगा. अब यहाँ पर जो बैंक है, बैंक से निकाले हैं आपने, तो बैंक इस बार पैसे रिसीव नहीं कर रहा है, दे रहा है, गिवर है, क्योंकि आप पैसा निकाल रहे हैं बैंक से, तो गिवर है. तो पर्सनल का रूल यहाँ पे सेट होगा क्रेडिट द गिवर. पर्सनल का रूल सेट होगा क्रेडिट द गिवर. तो क्रेडिट द गिवर से ये क्रेडिट में जाएगा और पैसा निकाला है तो कंपनी में पैसा आ रहा होगा. तो रियल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, इन हो रहा है तो ये आ रहा है, आने वाली चीज़ डेबिट होती है. तो कैश डेबिट होगा HDFC बैंक, इस एंट्री में क्रेडिट होगा, जैसा कि आप नीचे एंट्री में देख भी रहे हैं. यहाँ पर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट DR टू HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक यहाँ पे गिवर है, क्रेडिट द गिवर के नियम से ये क्रेडिट हुआ. बैंक कैश विड्रॉन, पैसा निकाल लिया ₹3,000. ये एंट्री नंबर 9 हो गई. इसके बाद एंट्री नंबर 10 से हमारे दूसरा पार्ट चालू हो रहा है, गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज, ठीक है. तो गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज को समझने के लिए कुछ हम आपको ओरल चीज़ यहाँ पे बता दे रहे हैं. देखिए जो गुड्स है बेटा, गुड्स के हमारे 4 पार्ट होंगे. गुड्स के आपके 4 पार्ट होंगे, ठीक है. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. नंबर 1 एक परचेज, नंबर 2 एक सेल्स, नंबर 3 परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, और नंबर 4 सेल्स रिटर्न. ये 4 पार्ट. इसमें परचेज का मतलब, सेल का मतलब, परचेज रिटर्न का मतलब और सेल्स रिटर्न का मतलब मैं आपको पहले ही एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस में बता चुका हूँ. परचेज मतलब माल खरीदना, सेल मतलब माल बेचना, माल
यानी गुड्स और एसेट्स में मैंने अंतर भी आपको पीछे की क्लास में बता चुका हूँ कि जो हम बेचने के लिए खरीदते वो हमारा गुड्स होगा, और जो हम बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए जो ज़रूरत होती है बिज़नेस के लिए, उन चीज़ों को खरीदते वो हमारी एसेट्स होती है। तो जब भी हम माल खरीदेंगे तो माल खरीदने के लिए कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है गुड्स परचेज रुपीज़ 10,000, तो अमूमन हमें जानकारी नहीं होती है जब, तो हम जैसा कि दो खाते चूज़ करने की जब बात आएगी तो एक गुड्स चूज़ कर लेंगे, एक कैश, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी गुड्स से रिलेटेड एंट्री हो तो गुड्स में इन चार में से कोई एक खाता बनेगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये, और या तो ये। अब सवाल ये है कब कौन सा बनाना है, बहुत सिंपल है। अगर माल खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट से एंट्री होगी, अगर गुड्स परचेज लिखा है तो परचेज अकाउंट, अगर माल बेच रहे हैं सोल्ड कर रहे हैं, जैसे इस केस में यहाँ 11 नंबर पे देखिए, तो माल बेचेंगे तो सेल्स, माल खरीदेंगे यहाँ पे खरीद रहे हैं, देखिए लिखा है परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज में हमें गुड्स की जगह क्या बनाना है, परचेज अकाउंट बनाना है, और गुड्स बेचने में, माल बेचने में हमें जो गुड्स है, गुड्स की जगह हमें क्या बनाना है, गुड्स की जगह हमें सेल्स बनाना है, ये। ठीक है, कुल मिला के गुड्स अकाउंट हमारा ये कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब माल खरीदा जाएगा तो परचेज से एंट्री होगी, बेचा जाएगा सेल्स से। अब इनकी ज़रूरत कब है, ये वही चीज़ है, अगर खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं तो फिर ना ही परचेज से हम बनाएंगे ना ही सेल्स से, तब हम एक खाता बनाएंगे परचेज रिटर्न का, और बिका हुआ माल वापस अगर आ रहा है तो उसके लिए हम सेल्स रिटर्न का बनाएंगे। अगर आगे एंट्री इसमें मिलेगी तो आपका ये भी पोर्शन कंप्लीट होगा, वैसे ऑलमोस्ट डन है। तो गुड्स के रिगार्डिंग जब भी गुड्स से रिलेटेड एंट्री हो तो गुड्स की अकाउंट कभी नहीं बनती है, ध्यान रखेंगे। गुड्स के लिए ये चार में से कोई एक खाता आपका बनेगा, कब कौन सा बनेगा ये मैंने अभी बताया, माल खरीदोगे जब तो परचेज से एंट्री बनेगी, परचेज खाता बनाना पड़ेगा ना कि गुड्स अकाउंट, माल बेचोगे तो सेल्स बनाना होगा ना कि गुड्स अकाउंट, खरीदा हुआ माल वापस होगा तो परचेज रिटर्न अकाउंट, और बिका हुआ माल वापस आएगा अगर तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब देखिए माल खरीदा गया है तो एंट्री समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर गुड्स परचेज रुपीस 5,000, तो दो खाते, माल खरीदा है तो एक परचेज बनेगा और दूसरा कैश बनेगा, दोनों ही हमारे रियल हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि जो माल है वो कोई प्रोडक्ट होगा, कोई चीज़ होगी, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसलिए ये रियल में जाएगी, कैश भी रियल में जाता है। रियल का रूल बेहद आसान है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। तो ये तो बहुत आसान एंट्री हो गई, माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है यानी ये डेबिट हो जाएगा, और पैसा जा रहा है यानी कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री हमारी बन के आ गई बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, माल आ रहा है परचेज डेबिट हो गया, कैश पैसा जा रहा है कैश क्रेडिट हो गया, बींग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, 5,000 5,000, माल बेचने की जस्ट अपोजिट हो जाएगी, माल बेचा जा रहा है तो माल बेचने में हमें गुड्स का खाता नहीं बनाना है, माल बेचेंगे तो सेल्स बनाना है, तो एक सेल्स की लेजर बनी हमारी, दूसरी कैश की लेजर बनी हमारी। अब ये भी दोनों रियल है, माल ये भी है, तो यहाँ पर माल बेचने के लिए हमें एक कैश और एक सेल्स बनाया, दोनों रियल है, तो सिंपल है, इन आउट देख लें क्या आ रहा क्या जा रहा, रियल का यही फंडा होता है। तो माल बेचोगे तो माल चला जाएगा, माल जा रहा है यानी सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, और माल बेचोगे तो पैसा आएगा, तो जब पैसा आएगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, तो ये हमारा पोर्शन तैयार हो जाएगा। पैसा आ रहा है डेबिट होगा तो कैश अकाउंट डी आर, माल जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट, 8,000 8,000, नरेशन बींग गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये हमारा माल बेचने से रिलेटेड हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम अमित एंड सन्स, 12 नंबर एंट्री को समझने से पहले आप एक बार 10 नंबर एंट्री को ध्यान से देखें। 10 नंबर में क्या लिखा है, गुड्स परचेज रुपीस 5,000, यहाँ पर केवल इतना बताया गया कि 5,000 रुपये का कंपनी ने माल खरीदा, इस जगह ये नहीं बताया गया है कि कंपनी ने किससे माल खरीदा, यहाँ पर नहीं बताया है। ठीक, लेकिन एंट्री नंबर 12 में जो माल खरीदा जा रहा है, यानी यहाँ पर इस जगह आप ध्यान से देखें, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि कंपनी ने माल तो खरीदा लेकिन किससे खरीदा है, अमित एंड सन्स से, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम अमित एंड सन्स रुपीज़ 1,000,
₹1,000 का माल अमित एंड संस से खरीदा है। अब यहाँ पर माल खरीदा है अमित एंड संस से, तो यहाँ नाम को मेंशन करने का मतलब क्या होता है? इसके लिए हमारे अकाउंटिंग लॉ को आपको समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग में ये रूल होता है कि चाहे हम माल खरीद रहे हों चाहे माल बेच रहे हों, अगर पार्टी नेम दिया है, पार्टी नेम, ठीक है, पार्टी मतलब जिनसे माल खरीद रहे हैं या जिनको माल बेच रहे हैं, तो माल खरीदने और बेचने में अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है तो ऐसी परचेज सेल को हम उधार परचेज सेल मानेंगे, उधार परचेज या सेल मानेंगे, अगर सेल है तो सेल। तो अगर माल खरीदने और बेचने दोनों में अगर पार्टी का नाम दिया है तो उसको उधार माना जाएगा। तो उधार में क्या होगा, क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगी तो अभी तक आप दो खाते बना रहे थे, तो एक तो आप परचेज बना लेते अभी, एक अमित संस बना लेते और फिर एक तीसरा भी बना डालते कैश, और जबकि खाते बनेंगे दो, खाते बनने हैं दो, तो दो कौन से बनेंगे, माल खरीद रहे हो परचेज तो बनेगा ही बनेगा, चलो एक ये मान लिया। अब दूसरे में आप कैश को लोगे कि अमित एंड संस को लोगे, ये कन्फ्यूजन रहती, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, माल खरीदने बेचने में अगर नाम नहीं दिया है तो सिंपल फिर वो कैश होगा, उसको हम नगद मानते हैं, ये नियम होता है। लेकिन माल खरीदने बेचने में अगर पार्टी का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये इस बात के लिए दिया होता है कि अभी पेमेंट नहीं की है इनको और ये उधार परचेज सेल है। तो अब बेटा देखो कॉमन सेंस है, अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाओ, जब कोई चीज़ उधार हो गई तो वहाँ पर उधार है तो कैश अकाउंट तो बनने का कोई सवाल ही नहीं है ना। कैश का मतलब क्या है, जब आप कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसा आ जा रहा हो, तो जब कैश में कोई चीज़ डील ही नहीं हुई है, कैश ना लिया है ना दिया है, अभी माल खरीद लिया पेमेंट बकाया है, तो कैश तो आएगा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अब सिंपल सी बात हो गई, क्लियर हो गया कि हमारा यहाँ पर अमित एंड संस आएगा। तो एक खाता परचेज का बना माल खरीदने में, अब दूसरा कैश की जगह हम क्या लेंगे, अमित एंड संस। अब इसकी एंट्री बना ले, परचेज पहले की तरह रियल अकाउंट है, रियल में हम आना जाना देख लेंगे, जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। तो परचेज में यहाँ पर हम देखेंगे जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारा जो गुड्स है माल खरीदने वो आ रहा है तो परचेज डेबिट हो जाएगा। दूसरा खाता है हमारा अमित एंड संस, तो अमित एंड संस हमारा यहाँ पर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बहुत सिंपल है, अमित एंड संस हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल का रूल आपको पता होना चाहिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को हम डेबिट में रखते हैं और देने वाले को क्रेडिट में रखते हैं। तो माल खरीद रहे हो किससे, अमित एंड संस से, तो अमित एंड संस से तुम माल खरीद रहे हो तो अमित एंड संस माल के गिवर हैं, ये दे रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर यहाँ पे लगेगा, ठीक है, क्रेडिट द गिवर लगेगा, तो इसलिए ये क्रेडिट होंगे। तो परचेज डेबिट और अमित एंड संस क्रेडिट, ये तुम्हारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। आई होप पार्टी वाले अगर आप ट्रांजेक्शन होंगे तो तुम कन्फ्यूज नहीं होगे, माल खरीदने और बेचने में केवल ध्यान रखना है बस, बाकी जैसा अभी तक सीख के आए वो सब ओके है। माल खरीदने बेचने में अगर पार्टी का नाम है तो उसको हम उधार ट्रांजेक्शन मानेंगे, और जब उधार होगा तो कैश की खाता नहीं बनेगी, कैश की लेजर नहीं बनेगी, उसकी जगह जो पार्टी का नाम दिया है उसकी लेजर बनेगी। अब आते हैं एंट्री नंबर 13 पर, यहाँ पे माल बेचा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी माल बेचा जा रहा है, किसको बेचा जा रहा है ये मेंशन है। इससे पहले 11 नंबर वाली एंट्री पर आप देखोगे तो माल बेचा खाली दिया है, ये देखिए 8,000 का माल बेचा, बस इतना दिया, किसको बेचा नहीं दिया, तो ये कैश मान लिया था। अब यहाँ पर 13 नंबर में माल किसको बेचा जा रहा है ये बात मेंशन है, टाटा एंड कंपनी को बेचा जा रहा है, तो माल बेचा जा रहा है, ठीक। तो एक कैश की लेजर बनी है यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस टाइप है, ये मिस टाइप है, मैं यहाँ पे ओवरराइट कर दे रहा। यहाँ पर हमारी जब माल बेचेंगे, बेचने के लिए हमने बताया सेल्स की लेजर बनती है, ठीक है, लिखा सही है, बस वो मिस टाइप हो गया है वहाँ पर, क्योंकि एंट्री यहाँ पर देखिए सही बनी है। तो एक सेल्स की लेजर हमारी बनेगी, ठीक है, माल बेचने में, माल बेच रहे तो एक सेल्स की लेजर, दूसरी टाटा एंड कंपनी की, कैश की लेजर हमारी नहीं बनेगी क्योंकि कैश का कोई काम नहीं है, तो कैश की लेजर हमारी यहाँ पर नहीं बननी है।
तो बस सिंपल है, सेल्स रियल है, माल बेच रहे हैं, माल जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लग जाएगा, तो ये सेल्स आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्स यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एंट्री में क्रेडिट भी है और माल किसके पास जा रहा है, टाटा एंड कंपनी के पास। तो टाटा एंड कंपनी पर्सनल में रिसीवर होंगे क्योंकि माल इनको बेच रहे हो तो माल को रिसीव कर रहे हैं, तो ये डेबिट द रिसीवर से डेबिट होंगे। तो एंट्री हमारी हो जाएगी टाटा एंड कंपनी DR टू सेल्स अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये हमारी माल बेचने की रिलेटेड, माल बेचने से रिलेटेड एंट्री हो गई। तो अभी तक हम लोग ने 13 एंट्रियों को कंप्लीट करा है। अब अगले डे पे हम इसके आगे की बातों पर जो है चर्चा करेंगे। यहाँ नोट में उन चीज़ों को मैंने मेंशन भी किया जो आपको समझाया है कि एंट्री नंबर 11 एंड 12 इज क्रेडिट परचेज एंड सेल बिकॉज पार्टीज नेम हैज बीन गिवन। ठीक है, इसके बाद ये आपका बेटा प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करना और बनाने के बाद मुझे दिखाना, कोई प्रॉब्लम आए, किसी एंट्री में कोई कन्फ्यूज़न आए तो उसको मुझसे पूछना, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है, 10 एंट्रीज मैंने आपको दी है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद हमारी एंट्रीज में कंपाउंड एंट्रीज आ गई हैं। ठीक है, तो इतना आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सिंपल जनरल एंट्रीज आप अच्छे से बना लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अब हम लोग अगले टर्न से जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी Day 9, उसमें कंपाउंड एंट्रीज को समझेंगे। कंपाउंड एंट्रीज फिनिश करने के बाद फिर हम टैली के इंट्रो पर आएंगे, टैली की स्टार्टिंग पे, क्योंकि अभी हम टैली पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमने इतना बेसिक नॉलेज नहीं लिया होगा, हमें अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होगी, डेबिट क्रेडिट पर्सनल रियल नॉमिनल की जानकारी नहीं होगी, जनरल एंट्रीज की नॉलेज नहीं होगी, आप खुद ही सोचिए अभी तक आपने इतना पढ़ा, अगर ये नॉलेज नहीं होगी आप टैली पे क्या करोगे, क्या अकाउंट्स मेंटेन करोगे। इसके बाद फिर हम लोग टैली पर आएंगे और सिस्टम के अकॉर्डिंग डे बाय डे उस पर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे। आई होप अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया होता है हेल्पलाइन नंबर के तहत आपके यहाँ पर, तो आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे।